खराब सकती है, खराब सकती पहले चिकन का पीस खराब का बर्गर वो चेंज करवाया तो पंची खा गई ऊपर से, ये पंची खा गई, फेंकना पड़ना, फेंकना पड़ना। ओए सो गाइज दिस इज द बर्थडे बॉय ओवर हियर, हेलो करो। सो गाइज इसको विश करो, दिस इज सैज शर्मा। सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन, दिस इज कनिष्ठ कपूर और वेद अगेन सैज शर्मा, व्यूज़ की दुकान हमारी। अब जो समझ रहे हैं हम बैग टू लेके आए, इसमें इसकी एसेसरीज हैं। तो गाइज अब हम जा रहे हैं, आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, स्पेशली आपके लिए मैंने खर्चा किया बहुत ज़्यादा, $150 उड़ा लिया खाली आपको दिखाने के लिए। तो अभी हम आपको बताते हैं मैं कहाँ जा रहा हूँ, पहले हम पकड़ लें क्योंकि हम बस पकड़ लें, कुछ और ना समझ रहे हैं, बस पकड़ लें नहीं तो लेट हो जाएंगे। सो गाइज हियर वी आर एट आर सी वर्ल्ड, और ये हमेशा डर जाता है जब भी मैं ऐसे बोलता हूँ, आई डोंट नो क्यों। भैया ठीक हो? अचानक से शुरू होता है, लाइक तू वार्निंग भी नहीं देता कुछ कि हमें शुरू होने लगूँ, बस सीधा हेलो। तो गाइज अब हम सी वर्ल्ड जा रहे हैं, थोड़ा सा चलना पड़ेगा और अंदर जाके थोड़े शॉर्ट्स लेते हैं क्योंकि सहज भैया कहते हैं मेरे पास पास नहीं है, तो जितने की इसका एक दिन का टिकट है उतने का मेरा कुंडा हो जाएगा, तो कुंडा नहीं कराना चाहते। तो मैंने तो भाई बहुत बेशर्म था, इधर भी ड्रॉप कर सकता था सैवेज। उसने कहा ना कि भाई तेरे बटन दबाया ना तो इधर ही उतरेगा। भाई उसने पीछे भी उतार दिया, मैं क्या करता, स्टॉप पे उतारना चाहिए। और गाइस अब हम सी वर्ल्ड देखते हैं कैसा है, क्या बना है। ओई वोटिक्स कमिंग सून भाई साहब, भाई मेरे पास पास है, जल्दी आ वोटिक्स। ये भाई भाई दिस इज वोटिक्स, वो आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा। और ये देखो ओए पढ़ने आए, वो पढ़ने आ जाएगी हमें, वो पढ़ेगी, उसका बच्चा है ना साथ में। सो गाइस दिस इज द एरिया, ऐसा कुछ एरिया है, इधर से जाना है उधर से जाना है। और भाई हम बस ऐसे तुर रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं, थोड़े अब सिनेमैटिक्स ले लो भाई। तो गाइस कुछ ऐसा बना हुआ है, ये मेरे को तो घर ही लग रहा है, इतना बड़ा सा रिजॉर्ट सा। ठीक है तो हम अभी हो जाएंगे फुटपाथ बनाने के लिए। हाँ ये ऐसा रिजॉर्ट सा बना है। ओए भाई क्यों बन गए वो पीछे, हमने भाई ज़माना पीछे छोड़ दिया आज। सहज भैया थोड़ा अनवेल फील कर रहे हैं, आई डोंट नो क्यों। अब ठीक हो भैया? भैया को भूख लग गई। मेरा टाइम चेक किया था कितना टाइम लगेगा यहाँ पे। टाइम तो नहीं लगेगा यहाँ पर, 5 मिनट लगेंगे। सो वी आर गोइंग इनसाइड और अपना पास बनवाते हैं और फिर अगर अंदर जाने का मौका मिला तो जुट जाएंगे। A few moments later. तो हमारा फालतू का 1 घंटे का चक्कर लगा यहाँ पे। डांट पिट रही। शर्म ही नहीं तेरे को। भाई बर्थडे बर्थडे डेढ़ बज गया, डेढ़। ओ ये ले एनुअल पास 99 का। ओ सस्ता चल रहा है एनुअल पास। कांग्रेचुलेशंस। मैं क्यों लूँ भाई? पागल ना 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 अब तो ले। मैंने 150 खर्चा है, मैंने वार्नर ब्रदर्स का खर्चा। तू मुझे बता ना तो $100 खर्च के एक दिन का पास बनवा ले। ड्रीम वर्ल्ड हेलो साल का मिल रहा है। 16 सितंबर नु खोलना है। हाँ मामा पागल थोड़ा नंगा, 16 सितंबर से पहले $100 का पास दे रहा भाई एनुअल, मैं पागल हूँ। हाँ और मुझे बोल दे कि $100 का एक दिन का पास ले ले इंस्टेड ऑफ $100 का एक दिन एक साल का। एक दिन का नहीं कह रहा वो, एक दिन का पास है। तो मैं एक दिन का थोड़ा कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ तो ले ले एनुअल पास, आफ्टर पे ले लेना, $40 किस्त जाएगी, $40 पर जरूर। 14 डेज। मेरे तो जेब में बहुत पैसे है, मैं तो बहुत कमाता हूँ यहाँ पे है ना। यार मेरे जेब में भी पैसे नहीं है, मैं गरीब हो गया हूँ, लिटरली मैं गरीब हो गया, मजाक नहीं कर रहा। तो गाइस बहुत बड़ा वाला कट गया है, सहज भैया ने मैं अंदर नहीं जान दिया, कहते तुम अकेले नहीं आए, तुम मेरे साथ आए हो तो ये तेरे को पता होना चाहिए, तो तुमको मैं अंदर जाने नहीं दूंगा। तो अब चलो मेरे को रास्ता पता चल गया, मैं हूँ आऊँगा किसी दिन यहाँ पे छाती पे, वो क्या कहते हैं उसको, चेस्ट बेल्ट डाल के गोप्रो की कुछ भी लेंगे हैं उड़ा देंगे, बस खड़ी चला चले वापस। और यार मैं आपको क्या बताऊँ, आप एरिया देख लें, आए हैं इतनी दूर कुछ तो देख के जाओ।
थ्रेट है, कोई मेरे को इंश्योरेंस दिला सकता दिला दे। अगर भाई आपको GoPro की फुटेज ना मिले तो क्रेडिट गोज टू दिस बॉय, इसका बर्थडे है। मैं ये नहीं है मतलब कुछ भी करेगा ऐसे में, जो मर्जी करूँ तो कुछ नहीं। भाई आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ क्या हुआ। जब मैं लाइक 10th स्टैंडर्ड में था, ये वॉज लाइक होता था, ये बहुत साउ बंदा था तब उस टाइम पे, इतना वो बस साउ बंदा था है, पर पहले नहीं था, पहले तो बहुत ही लाइक ही वॉज द पढ़ाकू गए, इतना पढ़ाकू था अब तो पढ़ना छोड़ गया, अब पढ़ते पढ़ते स्नैपचैट चलाता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी अभी भी टॉप कर रहा हूँ। देख कैरी मिनाटी डू यू नो ही वॉज ऑल्सो अ ड्रॉप आउट। तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, इसका ना बर्थडे आया, आई वॉज लाइक इसने मेरे को फ़ोन किया, गणेश यहाँ 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 पे आना है आज ही। मैं कह रहा हूँ नहीं यार मेरी ट्यूशन है। इसने स्पेशली अपना सिपाही भेजा मेरे को लाने के लिए, और वो सिपाही था श्रेयान सेठ। तो मैं ट्यूशन पे चला गया, और मैं ना इस टाइम पे ना इसके ही जिम जाता था, तो ही वॉज माई जिम ओनर एट दैट टाइम। तो ये जिम का ओनर था उस टाइम पे, और भाई ये बर्थडे मना के जैसे जिम में आया, इसने मेरे को देखा, मैं जिम में ना मैं पुलअप लगा रहा था उस टाइम पे, उसने आके पेट में मुक्की मारी मेरे हाथ से बाहर छूट के, मैं नीचे गिरा नहीं बट स्टिल एबल टू स्टैंड। और इस महाशय जी ने ना मेरे को जिम से बाहर निकालने की कोशिश की। देखो इतना टॉर्चर होता अपने दोस्त, अगले बंदे को शर्म नहीं है कि मैं इनवाइट कर रहा हूँ सारे पहुँच के सब खा पी के मैं आ गया हूँ, इसको मैं इतने बार कॉल लगाया सबके सामने कि आ जा, तो नहीं है मुझसे, नहीं आ जाएगा। मैं घर पहुँचा हूँ, जिम के अंदर ये काम एक्सरसाइज लगा रहे हैं, गुस्सा चढ़ेगा अगले को भाई, गुस्सा इसने फिर गुस्सा उतारा मेरे ऊपर दो दिन तक। क्या करें, चल दोस्त था, दोस्त के बर्थडे पे नहीं गया यार, नहीं गया, उसके बाद तो हर बर्थडे पे गया हूँ ना। हाँ उस पर कितने बर्थडे आए हैं? एक। हाँ नहीं तो नहीं, एक बारी तूने मेरे को वहाँ पे दी इंडिया के अंदर बर्गर किंग के अंदर भी दी, पिछले साल ही हुआ था। हाँ श्रेयान मैं और ईशान, फिर जब इसने ऑस्ट्रेलिया जाना था तब मेरे को कंपनी के बाहर रात को बुला के मैं जा रहा हूँ अगले दिन बाय। तो भाई यही चलता है यार, ये हमारी व्यूज़ की दुकान है, इसके भाई किस्से हैं आपको ना धीरे धीरे किस्से खुलवाएंगे इसके। ठीक है, और इसको बस का पता नहीं, सी वर्ल्ड हम आ चुके हैं, सी वर्ल्ड का उसने मेरा स्कैन भी कर लिया था, कोड मेरे वेस्ट हो गए $30 नहीं कितने डॉलर, एक्सक्यूज मी पास साल का पास है 365 डेज, यानी ये मेरा यूज तो नहीं हुआ ना, मतलब फर्क भी नहीं पड़ता अगर यूज हुआ है, मतलब खत्म तो नहीं हुआ ना मेरा, तेरे पास 365 डेज है और अनलिमिटेड एंट्री है। मैं 365 डेज में जितना मर्जी जा सकता हूँ, अंदर बाहर 50 बार होगा तो कुछ नहीं कह सकते वो। ठीक है यार, ठीक है, मैं भी घबरा रहा हूँ, मैं कहा मेरे पैसे मार लिए, यही वही दर्द होता है यार, इधर वो कौन सा बंदा दर्द होता है यार, बहुत बुरा लगता है यार जब पैसे खर्च होते हैं। तो गाइस अब हम ये देखें ये कहाँ हिलता, तो अब हम जा रहे हैं कहाँ पे, तो गाइस आपको सीधा मिलते हैं बीच में, हम बीच जा रहे हैं। जस्ट वेटिंग फॉर ट्रैम नाउ, और ट्रैम स्टेशन पे हैं, सफर जा रहे हैं, एक ही जगह जाते हैं हम हर बर्थडे पे, क्या करें यार, और कोई जगह ही नहीं घूमने को। अरे भैया ने यार सी वर्ल्ड नहीं घूमने दिया यार, अच्छा मतलब जा रहे घूमने नहीं दिया, गलत हो गया सीन, अब इसको मैं पास दिलवाऊंगा जबरदस्ती, इसको कहूँगा ले पास लेना पड़ेगा इसको। और सब हम वेट कर रहे हैं जितना कर सकते हैं, अपनी ट्रैम आनी है 1 मिनट में, और वो ट्रैम आती ही दिख रही है हम, तो बस वी आर वेटिंग और वी आर गोइंग टू बीच। सो गाइस हम सर्फर्स आ चुके थे, तो अभी कुछ शूट नहीं किया बिकॉज वी आर डिस्कसिंग समथिंग प्राइवेट, कुछ प्राइवेट थिंग्स डिस्कस कर रहे थे, और अभी साहिज भाई गया फ्राइज़ लेने, तो अभी हम ये पंछियों के लिए थोड़ी फ्राइज़ खरीदी हैं लिटरली खरीदी हैं हमने पंछियों के लिए, और इनको खिलानी है, ये इनको खिलाएंगे, और इनके थोड़े स्लोमो शॉट्स भी लेते हैं, इनको खिलाएंगे और अपना व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। और ये गाइस पता नहीं मैंने क्या लिया, फ्रैपे कहते हैं यहाँ पे, फ्रैपे है ठीक है, माड़ा चंगा कुछ पता नहीं, ऐसे लग रहा बर्फ़ के अंदर चॉकलेट डाल दिए बस और कुछ नहीं। तो आपको अभी मिलते 2 मिनट, खा लें पी लें और थोड़ा आगे बीच पे जाते हैं, पर बीच में दिखाऊंगा नहीं आज भी यार, क्या है यार एक ही चीज़ देखते रहते सारी दिहाड़ी, ब्लॉगर क्या बोलोगे, बीच पे ही जाता है बस, तुम और कहीं जाने की जगह नहीं है। इस महाशय जी से क्वेश्चन कर लो, ये बीच लेके आया मेरे को साथ म्यूजिक तेरा पड़ा हो जाए दौड़ जा। देखा सहज आज पहले बर्गर और फ्राइज
शायद परमाणु अटैक होते होते बच गया, क्या चाहते क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, बर्थडे था इसलिए बच गया, ये तो जिंदा नहीं छोड़ते ये। भाई शुक्रमान तेरे मुंह में सीधा फ्राई गया एक हाथ को चोंच आ जा उसने। तो गाइस दिस इज आवर सरफेस पैराडाइज। तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो पंछी जब लूटने आई थी तब रिकॉर्ड हो गया सीन। एपिक सीन था, उसको स्लो मोशन में दिखाऊंगा मैं। तो गाइस हम आ गए हैं बीच पे, चिल करने आए हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, बस आपको मौसम दिखाने आए हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ग्रेडियंट बन गया आसमान में इतना सही, और वो सहज भैया हमारे फिर से पंछियों से जूझते हुए, कुछ उनको हल नहीं मिलता हुआ, पंछी उनके पीछे पीछे वो आगे आगे। और ये सारा बीच एरिया यहाँ पे आपको पहले भी दिखाया हुआ है, हर चीज़ दिखाई है भाई। सरफर्स बार बार दिखा रहा हूँ, बोलोगे भाई बार बार क्यों दिखाता हूँ। बस ये यार बर्थडे पे और कहीं घूमने को नहीं होती जगह जो सबसे पास हो, सबसे पास जगह यही पड़ती है और बीच है, सबसे बड़ा बीच है। और दो मिनट यार मैं पी लूँ फिर इसको फिर शूट करते हैं। अच्छा सा वी आर ओपनिंग अ ट्यूटोरियल क्लास, हाउ टू कॉल अ बर्ड, एक पंछी को कैसे बुलाया जाए, ठीक है? तो बस कुछ पंछी बुलाने के लिए आपको बस चाहिए कुछ कुछ फ्राइज, और बस वेट करो, और बस इधर देखो फ्राइज आगे की 1 2 3 गो तेरी मैं। ये देखो ये पढ़ने आती है, ये इतने भूखे, ठीक है? तो रुको अब इनके स्लोमो शॉट्स लेते हैं। तो गाइज वी हैव डन आर मस्ती मुस्ती जो करनी थी, आज कुछ पूछा नहीं हमने इससे, रिडल्स। आज बर्थडे यार माफ़ करो, अगले बड़ी बेइज्जती होती है अगले की, आज भी हुई है बहुत जगह पे, पर रिवील नहीं करना चाहूँगा वो थोड़ी। इसको मैंने आज इतना भगाया ना, मतलब अगले को शर्म नहीं है। मैं बोला जब मेरा वीडियो बना दें यहाँ पे, इतनी बेकार सी वीडियो बनाई ना, उसके बाद दिखाने के बाद भाग गया यार। नहीं मैं डिलीट नहीं करनी, मेरे पास ही रहेगी भाई, है नहीं भाई, बेकार नहीं बनाई थी। हुआ पता, ये लहर आ रही थी, लहर आई भी इसके पास ही, और किसी के पास तो आई नहीं। मैं तो अच्छे से शूट कर रहा था, ये ऐसे भाग रहा था जैसे तड़पता हुआ पंछी नहीं होता जिसके ऊपर भी नहीं था, थोड़ा ज़्यादा हो गया ये नहीं, जैसे एकदम डरा दो, जैसे पंछी डरता नहीं एकदम आके डरा दो, ये वैसे भाग रहा था। तो काश मेरे पास वो फुटेज रहती, अगर इसी क्लाउड में सेव होगी तो मैं जरूर ओए डिलीट है ना, क्लाउड में चली गई है, मेरे को पता नहीं ना तेरा सर में डिवाइसेस तोड़ देने, इसमें घर में जाके वाईफाई जैसे कनेक्ट होगा, क्लाउड पे अपलोड करके। मैं मजाक भी कर रहा, अगर मेरे गाइस गोप्रो क्लाउड पे हुई तो मैं जरूर उसकी थोड़ी सी फुटेज डाल दूंगा। पहले दिन अब हम क्या करें यार, थोड़ा मैं टाइम लैप्स भी दिखा दिया, बीच भी दिखा दी, क्या दिखाऊं यार आपको बीच पे, क्या दिखाऊं? कमेंट में लिख देना आप गोल्ड को उसकी कोई चीज़ें ढूंढ लो, आप मेरे को लिख के भेज दो कमेंट्स में, मैं उस जगह पे चला जाऊंगा यार। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँगा, ये भैया ड्रीम वर्ल्ड सी वर्ल्ड से जाते जाते हम रह गए आज इसके कारण। नहीं बात वो है कि किसी महान प्राणी को ये नहीं पता था कि मैंने इसको बताया है, तुझे भूल गया है कि मैं सीवल नहीं जा सकता, बस पास नहीं है भाई। मैंने इसको सीधा लिख के भेजा था कि भाई मैं ये वाला पास ले रहा हूँ, विलेज रोड शो पास। इसको ये लग रहा है कि विलेज रोड शो एक शो है। एक मिनट, मैंने इसको ये बोला था भाई वो वॉर्नर ब्रदर्स का है, मेरे पास ड्रीम वर्ल्ड का पड़ा है, तो देख लियो ड्रीम वर्ल्ड का बनाइयो। और ये माश मुझे आज बस में बोल रहे हैं ड्रीम वर्ल्ड उसमें इंक्लूडेड नहीं है। भाई मेरे में चार हैं, तेरे में तीन है, मेरे को क्या लेना है? हाँ लेकिन आई डोंट केयर, देख Q1 पे मैं जा सकता हूँ तो नहीं, हम $20 खर्च के जाएंगे कोई बात नहीं, मैं वहाँ ना जा सकता हूँ, वहाँ पर नहीं जा सकता। Q1 में क्या छत पर ही जाना है भाई, यहाँ पर मैं अभी भी जा सकता हूँ, मैं किसकी वजह से नहीं जा पा रहा हूँ। चला चले, हाँ एक मिनट देखते हैं, ट्राई मारते हैं, अब यह ट्राई करते हैं Q1 पे जाकर देखते, अगर जाया गया तो जरूर ऊपर जाऊँगा। तो गाइस सीधा चेक करते, पहले Q1 का चेक कर ले भाई, पता कर लेते क्या सीन चल रहा है। गाइस आई लिटरली वंडर के Q1 हम ऐसे इतनी आंखों से क्यों नहीं देख सकते, ऐसे क्यों देखना पड़ता। तो
भाई ये बहुत सच में बड़ी है, ये देखो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से ऐसे जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, कैमरा मेरा हाथ मुड़ गया। तो भाई दिस इज़ Q1, द मोस्ट फेमस बिल्डिंग ऑफ गोल्ड कोस्ट, पहले भी दिखा चुका हूँ, अभी हम बस चेक कर रहे हैं ऊपर जा सकते हैं कि नहीं। भाई कट गया, हमने काटने की कोशिश की उनका भी पर कटा नहीं। उल्टा हमें स्पेशल ऑफर मिल गया था कि एक बंदे के टिकट लो, दो बंदा जा सकते। मेरे पास टिकट पहले से है, उस पर कोई ऑफर नहीं चलेगा। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, मेरा तो मेरे मतलब मन में लड्डू फूट रहा था, मैं कहा इसके पास टिकट है भाई, मैं फ्री में जा सकता हूँ। आई वाज लाइक यार पर चलो कुछ नहीं हो सकता यार, सैड लाइफ, अपने पैसे खर्च के जाएंगे। $27 की टिकट है खाली ऊपर जाने की, पागल बना रहे हैं सारे मिलके, हमको पागल बना रहे हैं सोच के बच्चे। चलो यार कोई ना, नेक्स्ट टाइम आपको लेके जरूर जाएंगे यहाँ पे, कुछ ही चंद दिनों में पैसे आ जाए थोड़े से, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो GoPro पे बहुत खर्चा हुआ है, थोड़े पैसे आ जाए तो यहाँ पे घूमेंगे स्काई पॉइंट में, ठीक है। और चलो अब हम चल रहे हैं घर, और धूप जैसे देख रहे हो बहुत सही हो चली है, सनसेट हो रहा है यहाँ पे, और बस अब हम जा रहे हैं बस घर यार, बहुत थक चुके हैं। सो गाइस बस यार बहुत थक चुका हूँ, ठीक है। तो आज बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली है, और मस्ती भी नहीं की यार, मतलब मैं चिल करने गया था। ट्यूसडे वैसे मेरा ऑफ डे होता है, ट्यूसडे मैं कहीं जाता नहीं, तो बस यार रात हो चुकी है, मैं सुबह 12 बजे का निकला हूँ, और काम हालत ख़राब है पूरी, थक चुका हूँ, थका मतलब ज़्यादा भी नहीं हूँ, बस ठीक है, घर जाके काम करने दो तीन, तो वो काम ख़त्म करूँगा, मतलब अपने घर के काम होते हैं वो करने हैं। और आप मेरे को बताना ये GoPro की फुटेज कैसी लगी है, और इससे पहली वीडियो भी है एक, उसमें आप देख ही लोगे। पर चलो यार बस यार व्लॉग को करते हैं एंड, ठीक है। अगर ये आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को, यहाँ तक अगर देखा तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, मेहनत बहुत लगी है, एडिटिंग में भी लगती मेहनत, तो आप लोगों को जितना मैं दिखा सकता हूँ उतना मैं दिखा रहा हूँ। आज मैं ड्रीम वर्ल्ड जाते जाते रह गया, जाना जरूर था, तो ड्रीम वर्ल्ड नहीं सी वर्ल्ड यार, मैं क्या बोली यार, तो सी वर्ल्ड मैं ज़रूर जाऊँगा, चाहे अकेले जाऊँगा पर जाऊँगा ज़रूर अब, क्योंकि सहज के पास पास नहीं है, तो मेरे को कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास पास हो, पर अगर नहीं होगा तो फिर मैं अकेले ही होऊंगा, आपको दिखाना तो है ही है, ठीक है। तो इन द वे बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, नमस्कार, बाय।